नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज जो अनुभव हम लेने जा रहे हैं एक साधिका के जीवन से संबंधित है, जिसमें उनके परिवार पर किस तरह का संकट और तंत्र संबंधी परेशानियां आई हुई हैं, आज के हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे कि तंत्र प्रयोग किस प्रकार से किए जा रहे हैं और उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं इनके पत्र को और जानते हैं इस अनुभव के विषय में। हर हर महादेव। गुरु जी प्रणाम। मेरा नाम यह है और मैंने आपसे गुरु दीक्षा अप्रैल 2022 को ली थी। मेरी छोटी बहन और भाई ने भी आपसे गुरु दीक्षा लिया थी। गुरु जी हमारी पहचान को गोपनीय रखिएगा। गुरु जी मेरे मम्मी पापा, मेरी छोटी बहन और मैं, मेरा भाई सब काफी परेशान हैं। मेरी बड़ी दीदी खुद तंत्र विद्या में पारंगत हैं और वो हम सब पे तंत्र का प्रयोग करती रहती है। गुरुजी हम लोग जब छोटे थे तभी से हम पर एक औरत ने तंत्र किया था, जिसकी वजह से मेरी छोटी बहन रश्मि और मेरा भाई काफी परेशान रहते थे। उस औरत ने इन्हें जान से मारने की कोशिश की है, पर हम लोग महादेव और माँ दुर्गा की कृपा से बचे हैं। मेरी बड़ी दीदी उसी औरत से मिलकर तंत्र विद्या सीख चुकी है और उसका प्रयोग हम सब पर करती है। हम लोग सीतापुर छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। मैं नौकरी के लिए पुणे में रह रही हूँ। 1 साल हो गया है मेरी नौकरी जा चुकी है। मेरा भाई प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहा है। मेरी बहन रश्मि मम्मी पापा के साथ बनिया गांव में है। पहले वो सीतापुर में हमारे पुराने घर में रह रही थी और बड़ी दीदी भी उसी घर में रहती है। उस घर में दीदी ने ही भूत प्रेत पाल के रखे हैं। रश्मि जब पूजा में पूजा करती है तो दीदी हर जगह से पूजा में बाधा डालती थी। गुरुजी कई बार तो उसने रश्मि के ऊपर शमशान की राख भी फेंकी, जिससे उसका पूरा शरीर जलता था, पर गुरु मंत्र करते करते वो ठीक हो जाती थी। एक बार जब रश्मि पे माँ की सवारी आई तो गुस्से में बोल रही थी कि इनकी सारी शक्तियां छीन लूंगी। फिर मेरी बड़ी दीदी ने उसी औरत से बातचीत की और मेरी छोटी बहन को और भी परेशान करने लगी और उस पे तरह तरह के भूत प्रेत छोड़े, पर गुरु मंत्र के प्रभाव से उनका विनाश हो गया और मेरी बहन को कुछ नहीं हुआ। यह सब देखकर मम्मी ने छोटी बहन को गांव के घर में बुला लिया। गुरुजी रश्मि पे माँ की कृपा है, उसको बहुत सारे अनुभव होते हैं जो वो आपसे शेयर करेगी। गुरुजी रश्मि बहुत परेशान है। कुछ दिन पहले उसकी तबीयत बहुत खराब थी, पर वो लगातार गुरु मंत्र का जाप भी कर रही थी। उसका सर दर्द शरीर दर्द ठीक नहीं हुआ। गांव के घर में उसे मेरी बड़ी दीदी और वही औरत दिखती है जब भी वह जाप करती है। जब पूजा कक्ष के बाहर आती है तो मक्खियों का झुंड उसके पास आ जाता है। उसकी तबीयत में कोई सुधार नहीं हो रहा था तो पापा उसको गांव के ओझा के पास लेकर गए, जो कि हमारा पड़ोसी है। वहां वो किसी औरत को झाड़ रहा था। उसी समय लक्ष्मी का शरीर वाइब्रेट होने लगा। गुरुजी जहां भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं वहां मेरी बहन का हाथ गला वाइब्रेट होने लगता है। जब
ओझा ने मेरी बहन को झाड़ा किया तो वो उल्टे पुल्टे मंत्र बोलने लगा और उसको समझ में आ गया कि माँ महाकाली, शिव और बजरंगबली की बहुत पूजा वह करती है, इस पे उनकी कृपा भी है। वो बोल रहा था कि मैं तो माता की पूजा नहीं करता। जब मेरी बहन पर पूजा चढ़ने लगी तो उसी ओझा की शक्ल दिख रही थी, उसी की आवाज पूजा कक्ष में गूंज रही थी और वो जोर से हंस रहा था। मेरी बहन जाप नहीं कर पा रही थी। जब मम्मी पूजा की तो वहां आई तो बहन ने सारी बात मम्मी को बताई। मम्मी ने जोर से बोला, जा यहां से, मेरी बच्ची को परेशान मत कर। फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। रश्मि ने अच्छे से गुरु मंत्र किया। तब माँ महाकाली ने उस ओझा को बोला, अगर इसकी ऊर्जा लेने गया तो तेरी विद्या तुझसे छीन लूंगी। ओझा ने घर आना बंद कर दिया, पर 4-5 दिन बाद वो फिर से हमारे घर आया और बाहर बैठा था। मेरी बहन किचन में थी, पर उसे ऐसा लगा जैसे उसकी ऊर्जा छीन हो रही हो। वो आदमी 2 घंटे बाद वापस गया। गुरुजी, मेरी बहन के शरीर में बहुत वाइब्रेशन हो रहा है और शरीर के जिस भी भाग में वाइब्रेशन हो रहा है वहां जलन है और वो हिस्सा काला पड़ रहा है। हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। वो गांव में है जहां नेट नहीं चलता, इसलिए मैं ये ईमेल भेज रही हूं। मेरी दीदी वो औरत और उसके साथ वो औरत का गुरु अघोरी हम सबके पीछे पड़े हैं। हमारे पास कोई सिद्धि नहीं है, हम लोग गुरु मंत्र के भरोसे हैं। गुरुजी कृपया करके कुछ उपाय बताएं। मेरी मम्मी चाचा भी आपसे गुरु मंत्र दीक्षा लेने वाले हैं। मेरी बहन के शरीर पर काले दाग बनते जा रहे हैं और उसको ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उसकी छाती से कोई चीज निकाली जा रही है। गुरु मंत्र का जाप करने पर भी ये सारी चीजें ठीक नहीं हो रही हैं। मम्मी के सपने में मम्मी ने काला बकरा देखा जो मेरी बड़ी दीदी ने ला के रखा था। फिर मम्मी ने एक भगत से पूछा कि आप कुछ देख के बताएं, तो उन्होंने बोला कि वो लोग उसको मेरी छोटी बहन के नाम से बलि चढ़ाएंगे। गुरुजी कृपया करके मेरे परिवार की रक्षा करें। मेरे साथ और मेरे भाई पापा मम्मी के साथ भी अजीब घटनाएं होती रहती हैं, जिनका विवरण मैं आपको बाद में दूंगी। ये बहुत ही अर्जेंट है, कृपया करके शीघ्र ही उपाय बताएं। आपकी शिष्या। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने तंत्र विद्या से होने वाली परेशानियों के संबंध में बताया है। सबसे पहले तो रश्मि को एक कार्य करना चाहिए। सुबह सुबह जब वह उठती हैं तो लैट्रिन बाथरूम जाने से भी पहले रात को तांबे के लोटे में कम से कम आधा लीटर पानी रख दें और सुबह उठकर उस पर गुरु मंत्र फूंक कर उस पानी में पहले से ही नीम की पत्तियां डालकर रखी गई हूं। इन नीम की पत्तियों वाले पानी को आपको सुबह सुबह पी लेना है। अगर नीम की पत्तियां नहीं मिलती हैं तो कोई भी आयुर्वेदिक नीम की वटी का इस्तेमाल सुबह सुबह कर सकती हैं। नीम एंटीबायोटिक भी होता है और तंत्र से रक्षा करता है। अगर गुरु मंत्र के माध्यम से इस जल को लेंगी तो
तो शरीर पर किए जा रहे या किसी प्रकार से अगर गोपनीय तरीके से कुछ खिला पिला दिया गया है तो वह भी नष्ट हो जाएगा। यह आपको आजीवन पानी इसी प्रकार पीते रहना है, क्योंकि घर गांव में यह चीजें करना बड़ा ही आसान होता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब किस प्रकार से क्या खिला और क्या पिला दिया जाए। दूसरी बात, परिवार के सारे सदस्य गुरु मंत्र से रक्षित हैं, इसलिए घबराए नहीं। घर को पवित्र रखें, शुद्ध सात्विक भोजन ही करें, सदैव साफ सफाई का ध्यान रखें और तेल मसाले राजसिक भोजन से दूर रहें। सरल और सुपाच्य भोजन का इस्तेमाल करें। इसके अलावा परिवार के सारे सदस्य बैठकर घर में गुरु मंत्र का हवन अवश्य किया करें। इससे पूरा घर शुद्ध हो जाता है और वहां स्थापित नकारात्मक शक्तियां नष्ट होती हैं। इसके अलावा घर और परिवार के बाहर कभी कभी तीर्थ यात्रा अवश्य किया करें। इससे नकारात्मक शक्तियां तीर्थों पर जाकर मुक्ति प्राप्त कर लेती हैं और वहां से देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इसलिए यह कहा जाता है कि प्रत्येक सनातनी को वर्ष में कम से कम एक बार तीर्थ यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। और अगर यह लोग ऐसे ही तंत्र प्रयोग करते रहे तो उसके संबंध में मैं आपको तंत्र विद्या की जानकारी भी दूंगा, लेकिन गुरु मंत्र का पहले जो अनुष्ठान है उसे अवश्य कंप्लीट कर लें, दशांश हवन सहित। तो यह था आज का अनुभव। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।